फाइनली अब WWE ने मनी इन द बैंक PPV की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए रॉ के एपिसोड में क्वालिफाइंग मैच भी दिखना शुरू हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकइंटायर बैन फॉर WWE टाइटल, क्यों रॉ ब्रांड में इनसाइड हेल इन अ सेल मैच देखने को मिला और फिंड के रिटर्न की डेट सामने आ चुकी है। इन सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं द फिंड ब्रे वाइट से। अब फिंड लास्ट ईयर TLC 2020 के बाद सीधे रेसलमेनिया से पहले दिखे और रेसलमेनिया 37 में वो रैंडी ऑर्टन के खिलाफ मैच में दिखे थे। अब TLC और रेसलमेनिया दोनों ही बड़े इवेंट में रैंडी ऑर्टन ने फिंड को हरा दिया था, फिर ब्रे वाइट दिखाई नहीं दिए हैं। अब सवाल ये है कि वो कब रिटर्न करेंगे। तो आप सभी को बता दूं, 9 अगस्त 2021 को होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए फिंड को एडवर्टाइज करा गया है, मतलब कि वो अगस्त में वापसी करने वाले हैं। जैसा कि 21 अगस्त 2021 को WWE का बड़ा PPV समर स्लैम भी होना है और उससे पहले फिंड की वापसी साफ दिखा रही है कि वो समर स्लैम में हो सकता है किसी बड़े मैच में दिखाई दें। अब सवाल यह है कि 9 अगस्त को फिंड की वापसी होगी और 21 अगस्त को PPV है, तो इतने कम टाइम में WWE फिंड को कैसे इस PPV के लिए बुक कर पाएगी, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है रीसेंट के रॉक के एपिसोड में दिखे इनसाइड हेल इन अ सेल मैच से। अब जब आज का रॉक का एपिसोड शुरू हुआ तो ऊपर सेल साफ लटका हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद मेरे मन में सवाल आया कि कहीं ड्रू मैकइंटायर को रीमैच तो नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। रॉक के मेन इवेंट में बॉबी लैशले वर्सेज जेवियर वुड्स के बीच इनसाइड हेल इन अ सेल मैच देखने को मिला, वो भी तब जब बॉबी लैशले का जेवियर वुड्स से कोई लेना देना नहीं था। अब सवाल ये कि हेल इन अ सेल PPV के बाद WWE को क्या जरूरत पड़ गई रॉ में इस मैच को कराने की। आप सभी को बता दूं, केवल और केवल USA नेटवर्क को खुश करने के लिए इस मैच को कराया गया था। अब आप कहेंगे वो कैसे, बट उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि रॉ USA नेटवर्क पर आती है और स्मैकडाउन फॉक्स TV पर। जैसा कि लास्ट वीक स्मैकडाउन ब्रांड पर रोमन रेंज वर्सेज रे मिस्टीरियो के बीच इनसाइड हेल इन अ सेल मैच दिखा था, जिसके बाद USA नेटवर्क इनसाइड हेल इन अ सेल मैच फॉक्स TV पर दिखाने की वजह से नाराज हो गए थे। USA नेटवर्क ने सोचा कि एक तो रॉकी रेटिंग्स की वैसे ही लगी पड़ी है और ऊपर से इन्होंने फॉक्स TV पे हेल इन अ सेल मैच दिखा दिया, इसलिए USA नेटवर्क की नाराजगी दूर करने के लिए आज रॉ ब्रांड पर इनसाइड हेल इन अ सेल मैच दिखाया गया। सही है, WWE को अपने TV नेटवर्क पार्टनर को खुश रखना ही पड़ेगा। अब चाहे फैंस रॉ जैसे एपिसोड देख करके बोर हो या खुश ना हो, उससे WWE को क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ड्रू मैकइंटायर से। हेल इन अ सेल में हार के बाद ड्रू मैकइंटायर WWE टाइटल के लिए बैन हो चुके हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो आप सभी को याद दिला दूं, हेल इन अ सेल पेपरव्यू से पहले आखिरी रॉ के एपिसोड में बॉबी लैशले ने ये स्टिपुलेशन रखी थी कि अगर ड्रू मैकइंटायर इनसाइड हेल इन अ सेल मैच हारते हैं तो वो दोबारा WWE टाइटल मैच की डिमांड बॉबी लैशले से नहीं करेंगे, मतलब कि एक तरह से टाइटल मैच के लिए वो बैन हो जाएंगे, वो भी तब तक जब तक बॉबी लैशले WWE चैंपियन रहेंगे। जिसे देख करके साफ लग रहा है कि 16 महीने से ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियनशिप टाइटल की स्टोरी लाइन में दिखाई दे रहे थे, जो कि शायद अब एंड हो चुकी है और वो टाइटल पिक्चर से बाहर हो चुके हैं, जिसके बाद ये ड्रू मैकइंटायर के लिए फ्रेश स्टार्ट होगी। वहीं बेशक बॉबी लैशले के स्टिपुलेशन के बाद ड्रू मैकइंटायर बॉबी लैशले के साथ टाइटल मैच में नहीं दिखेंगे, बट नेक्स्ट PPV मनी इन द बैंक है, जिसके लिए क्वालिफाइंग मैच दिखने शुरू हो गए हैं, जिसमें ड्रू मैकइंटायर को चांस मिला था बट रिडल ने उन्हें हरा दिया और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस हार के बावजूद ड्रू मैकइंटायर के पास नेक्स्ट वीक रॉ में फिर से मौका है मनी इन द बैंक मैच के लिए क्वालिफाई करने का, क्योंकि WWE ने रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस करा हुआ है। जो जीतेगा उसको मनी इन द बैंक मेंस लैडर मैच में जाने का मौका मिलेगा, जहां से ड्रू मैकइंटायर के जीतने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि एजे स्टाइल तो विकिंग राइडर्स के साथ मनी इन द बैंक PPV में टैग टीम टाइटल मैच डिफेंड कर सकते हैं। अब बचे रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर, जिसमें रैंडी ऑर्टन के पार्टनर ऑलरेडी इस मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर वो भी क्वालिफाई करते हैं तो दोनों को इस मैच में एक दूसरे से भिड़ना पड़ेगा और उसके लिए WWE को उससे पहले इस टीम को तोड़ना पड़ेगा। तो शायद ड्रू मैकइंटायर यहां से क्वालिफाई कर जाएं और क्या पता वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत भी लें। हालांकि अभी कुछ नहीं कह सकते। अब बेशक ड्रू मैकइंटायर 2-time चैंपियन रहे हों, बट उन्हें इतना मलाल रहेगा कि वो जब चैंपियन रहे तो फैंस एरिना में मौजूद नहीं थे। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो याद है ना, लाइक करें बिना मत जाइएगा और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।